हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने के लिए हमको कौन कौन सी रे की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हमने आपको अपने एक लेक्चर में बताया था कि कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने के लिए कौन कौन सी रे की जरूरत होती है, वैसे ही लगभग सेम यहाँ पर भी वो इमेजेस फॉर्म होती हैं, वही रेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके प्रोजेक्शंस अलग अलग होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी रे की जरूरत होती है। आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है, जिसका शाइनी पार्ट क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ये शाइनी पार्ट जो होता है उभरा हुआ होता है, और दूसरा हम ये कह सकते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, पीछे की तरफ होता है। ठीक है, तो यहां पर जो रे रिक्वायर्ड है, पहली रे है जिसका नाम हम देते हैं रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको हमने बताया था क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस मिरर का मिड पार्ट कहलाता है पोल। क्या कहलाता है? पोल। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसका ये एक पार्ट होता है वो हम मान लेते हैं कहीं यहां कहीं होगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये वो सी आ गया, जिससे इस सेंटर का हमको पता चलता है ये जिसका पार्ट है वो उसका सेंटर ये है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन ही क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि जब ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो हमने जो फोकस की डिफिनेशन आपको बताई थी, तो फिर से आपको याद करनी होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, इट सीम्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकस। तो यहां पे क्या होगा, ये फोकस बनाने के लिए हमें पहला क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कोई भी रे जो आपकी क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होती है, आपकी परपेंडिकुलर होती है। हम इसको मिरर पे क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं। तो यहां पे जितना एंगल ये बनाएगी उतना ही एंगल बना के क्या होगा, दूसरी रे ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये रे को हम पीछे बढ़ाएंगे क्योंकि ये जा तो नहीं रही, नहीं पे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से होके आ रही है। तो पहली रे तो हमको ये बनानी है, ऐसे आएगी और ये चली जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फोकस। जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोलते हैं। अब आती है दूसरी रे क्या कहलाती है, रे पासिंग थ्रू सी, जो रे सी से पास होती है। तो जो रे सी से पास होगी उसको लेकिन देखिए क्या देखते हैं, उसके लिए फिर वही बात, हमने ये फोकस बनाया, ये मिरर बनाया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, फोकस ऑलमोस्ट बीच में होता है, लगभग बीच में होता है, एग्जैक्ट बीच में नहीं होता, ध्यान रखिए। तो अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से अगर हम सी की तरफ इमेज रे ले जाते हैं, कैसे जाएगी, सी की तरफ जा रही है, अभी हमने इसको डैश डैश करके बनाया है, इसको आप स्केल से खींचेंगे तो एग्जैक्ट बनेगी। तो ये रे जो आपके पास आई है ये क्या है, यहां से चलेगी
और वापस इसी पाथ पे चली जाएगी, जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो ये रे जो क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं रे पासिंग थ्रू सी। तो सेम पाथ को फॉलो करके क्या कर देती है, वापस चली जाती है। इसके अलावा हमें और रे की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे दो ही रे से काम चल जाता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं, हम इनके लिए रे डायग्राम को बनाएंगे ऑब्जेक्ट के। तो पहला रे ऑब्जेक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जब कहाँ होती है, इन्फिनिटी पे होती है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हम बताते हैं आपको। इमेज फॉर्मेशन आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। डायग्राम को हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसमें हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये फोकस के ऊपर बनती है। तो इमेजेस कैसे बन रही है अब हम उसको बता रहे हैं। अभी तक हमने बताया रे रिक्वायर्ड, अब यहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं इमेजेस कैसे बनती हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो हम किसको कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो अगर कहीं से रे पैरेलल आ रही है, ध्यान रखिए लॉन्ग डिस्टेंसेस से आने वाली रेज क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे सन से हमारे तक जो लाइट आ रही है वो पैरेलल रेज मानी जाती हैं। तो हम कोई भी रे ले लेते हैं जिसमें हम इसको क्या दिखाएंगे कि इंफिनिटी से ये रे आ रही है, इंफिनिटी से ये रे आ रही है, ये पोल है आपका, इंफिनिटी से रे आ रही है। तो ये क्या लग करेगी, अगर ये पॉइंट फोकस है तो आपको क्या लगेगा, ये फोकस से होती हुई, फोकस से आती हुई लगेगी। कैसी लगेगी, फोकस से आती हुई लगेगी। तो ये फोकस से आती हुई लग रही है कि ये, तो यहां पर क्या है, ये इधर से तो इमेज इधर चली गई, रे इधर चली गई, इधर वाली रे इधर चली गई, तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इमेज यहां पर अपीयर हो रही है, दिख रही है, अपीयर हो रही है, दिख रही है। अब आपको फिर से ध्यान दिलाता हूं कि जब रे एक्चुअल में एक दूसरे को नहीं कट करती है तो क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और जब रे एक दूसरे को रियलिटी में कट करती है तो रियल इमेज बनती है। इस बात को हमने आपको बताया था। तो पहली चीज हमने, फिर वही पांच पॉइंट याद होंगे आपको कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी, कहां है, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बन रही है, कहां बन रही है, एट फोकस। इसके बाद हमने क्या बताया था, नेचर क्या है आपको बताया था, वर्चुअल वर्चुअल है। इसके बाद क्या बताया था, साइज साइज। देखिए जो समझिए, सन से बहुत दूर से लाइट आ रही है तो सन तो बहुत बड़ा है, उसकी इमेज क्या होगी, छोटी सी बन रही, पॉइंट इमेज बन रही। तो ये क्या होगा, वेरी हाई डिमिनिशिंग, और पॉइंट इमेज, दैट इज पॉइंट इमेज। बात समझ में आई। और ओरिएंटेशन कैसा होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, इरेक्ट, क्या होगा, इरेक्ट। तो ये पांच चीजें हमने आपको बताई थी, ये पांचों चीजें हमको इसके साथ लिखनी पड़ेगी ताकि हमारा क्वेश्चन में पूरे नंबर मिल सके। दूसरा है ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस, एट एनी प्लेस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो इसमें हम आपको देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है हमारे पास बनता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो,
इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रख लें, सपोज हमने यहां रख लिया, हमने यहां रख लिया, यहां रख लिया, या कहीं पे भी रख लें, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इसके हेड से क्या ले जाएं, पैरेलल रे ले जाएं, और ये पैरेलल रे जाएगी और कहां से होती हुई चली जाएगी बच्चों, इट गोज फ्रॉम, इट सीम्स टू कम फ्रॉम फोकस। ये कहां से होके जाएगी, फोकस से होती हुई लगेगी, इट कम्स फ्रॉम फोकस, ये फोकस से जाती हुई लगेगी। दूसरी हम क्या निकालेंगे, सी से निकालेंगे, तो सी से होती हुई यहां से यहां तक जाएगी और फिर इसके बाद क्या होगा, इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस। तो ये डैश डैश जा रही है, ध्यान रखिए हमने क्यों बताया था, क्योंकि इसके आगे ये रियलिटी में नहीं जा रही है, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, दीज आर द एक्सटेंडेड रे, तो दूसरी रे ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। तो आप अगर देखेंगे तो ये रियलिटी में कहीं भी कट नहीं कर रही है, इट डजंट कट ईच अदर एट एनी पॉइंट ऑफ पोजिशन। तो फिर क्या हो रहा है, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने में क्या होगा, ये इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये इमेज देखिए क्या बन रही है, फोकस और पोल के बीच में बन रही है, या हम कह सकते हैं बिहाइंड मिरर बन रही, कहां बन रही है, बिहाइंड मिरर बन रही। तो जरा इसको देखिए, ओ क्या होगा, एट एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। दूसरा इमेज कहां है, इमेज बन रही है बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। तो इसके बाद क्या हमको लिखना है, नेचर, तो आपको पता है ये रेज कट नहीं कर रही है, हम उनको एक्सटेंड करके कट करा रहे हैं, तो क्या होगा, ये कैसी होंगी, वर्चुअल होंगी, वर्चुअल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइज देखिए, इसका इतना बड़ा साइज, इसका छोटा साइज है ना, तो क्या है, डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग है। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन आता है, चार पॉइंट हो गए, ओरिएंटेशन आ रहा है। तो देखिए जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है, तो कैसी है, इरेक्ट है। हमने वैसे भी आपको बताया था, अगर आप देखते हैं कहीं पे भी जहां पे वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगी, इरेक्ट है तो वर्चुअल ही होगी, दोनों चीजें एक साथ आप कह सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा करेक्ट है। तो वर्चुअल है तो इरेक्ट है, इरेक्ट है तो वर्चुअल है। यहां पे तीसरी पॉइंट आ जाता है, जहां पर आपको हम समझाएंगे कि तीसरा, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके चलें, पोल पे लेके चलें, तो जब एट पोल आएगा तो जरा देखिए क्या होगा। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट लगभग बराबर होती है साइज में। तो अब उसको समझिए बच्चों, यहां पे ये आपकी, इस चीज को हम समझा रहे हैं, ये ठीक इसी पॉइंट पे है, समझिएगा। तो ये क्या होगा, अगर हम इसको यही रख रहे हैं तो रे पैरेलल चलेगी, फोकस से होके चली जाएगी, फोकस ऐसे होगा यहां पर। और देखिए अगर हम सी की तरफ भी ले जाते हैं इसको, तो सी की तरफ भी ले जाते हैं तो क्या होगा, ये लगभग इसके बराबर बन रही है। तो यहां पर इस बात को बहुत ध्यान में रखेंगे, तो इस वाले केस के लिए यहां पे क्या होगा, बिहाइंड मिरर यहां पे लिख देते हैं, बिहाइंड मिरर, और यहां पे ओ एट पी, इसके बाद इमेज जस्ट बिहाइंड मिरर, जस्ट बिहाइंड मिरर, साइज क्या, नेचर क्या होगा, नेचर तो एक ही होगा जिसको हम कहेंगे वर्चुअल, वर्चुअल, और साइज क्या होगा, नियरली इक्वल, नियरली इक्वल,
और एक चीज और हो गई ओरिएंटेशन, तो वो क्या होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही होगा, तो ये पॉइंट क्या हो गए, इसके हो गए। तो यहां पे पोल, ये फोकस और ये सी, और यहां पे आपकी इमेज आ गई, ऑब्जेक्ट यहां पे, इमेज बगल में, तो यहां पे लगभग बराबर होती है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होती है लेकिन लगभग बराबर होती है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए, तो ये चीज पॉइंट आपको आशा करता हूं समझ में आए होंगे। और ध्यान से फिर से हम आपको बता दें कि ये जरूर समझ लीजिए कि ये पॉइंट्स लिखना बड़ा कंपलसरी है। इन क्वेश्चंस इमेजेस की आप प्रैक्टिस करिए, शायद बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, हमको कुछ मैसेजेस मिले हैं, कुछ मेल्स आई हैं हमारे पास, और हम उसके लिए क्लेरिफिकेशन लेके अपने अगले वीडियो में जरूर आएंगे, आपको बताएंगे कि आप पेपर और पेन पे कितने आसानी से इन पिक्चर्स को बना सकते हैं, इमेजेस को, रे डायग्राम्स को बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।